देने की मासूम बच्ची रवीना को आखिर हमारे चैनल आरजे न्यूज के प्रयास के बाद अच्छा इलाज मिल ही गया। उसके सर की सर्जरी बाल गोपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक भट्टर, न्यूरो सर्जन डॉक्टर चंद्र मुकेश धावड़े, डॉक्टर आनंद भट्टर, प्रशांत केड़िया, अंशु राठौर ने प्रमुख योगदान दिया और अब वो ठीक हो रही है। 15 दिन रायपुर के बाल गोपाल अस्पताल में बिताने के बाद आज जब प्रशासन की टीम उसे वापस गरियाबंद जिला लेकर आए तो उसके माता पिता दोनों भावुक हो गए। करवाए गए इलाज के लिए गरियाबंद जिला प्रशासन के साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम का धन्यवाद करने लगे। हाँ, बच्ची को हाइड्रोसिफेलस था, इनके सिर में पानी भर गया था और आपके माध्यम से जैसे हमको जानकारी प्राप्त हुई हमने इसको हमारे कलेक्टर साहब से बात करके जो है उच्च इलाज के लिए बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया था। आज वो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ठीक होके हमारे यहाँ आ भी गई है। सर, क्या सर में अंदर क्या भर गया था? उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से सिर का साइज बड़ा हो जाता है, जिसका सफल ऑपरेशन बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल रायपुर में कराया गया है जिला प्रशासन की सहयोग से, और उनको आगे भी कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी उसका उपचार लगातार कराया जाएगा। कौन सी योजना का लाभ मिल पाया सर? चिरायु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो है और हमारे जिला कलेक्टर के सहयोग से हमने उसको जो है इलाज कराया। सर, जिले में और भी पीड़ित बच्चे होंगे, क्या संदेश हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो भी बच्चे पीड़ित इस तरह के होते हैं उसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना के तहत निःशुल्क उपचार कराए जाने का प्रावधान है, उसके तहत हम इलाज करा सकते हैं। पहले बच्ची जो है पूरे शरीर में काला धब्बा लगा हुआ था, सर जो है बहुत बढ़ रहा था, तो आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिला जो लगातार आपने चलाई, उसमें प्रशासन और शासन जो है हरकत में आई, और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने खबर को चलवाई। और साथ ही मैं जिले प्रशासन के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, खास करके हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं और बाल गोपाल जो हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर का समुचित इलाज करा करके आज आए हुए हैं। ये सुखद हमारे लिए अनुभूति है कि आज बच्ची जो है स्वस्थ होकर हमारे बीच में आई हुई है। मैं सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब और जिले के तमाम उन अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहूँगा।